हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉब द एक्सप्लोरर। आपका स्वागत करता हूँ एक फ्रेश न्यू ब्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं दीर्घेश्वरी टेंपल और रेडी है हम लोग सब कोई, और पहले से बैठा हुआ है लिली, वो देखिए सबसे एक्साइटेड पहले से बैठा हुआ है। पापा हाय। अभी बजा है 3:30 और जो लोकेशन में हम लोग जा रहे हैं वो यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है, 51 मिनट जैसा दिखा रहा है गूगल मैप में, लेकिन जनरली उससे ज़्यादा ही लगता है। सो लेट्स गो। ऊपर आप लोगों को क्लाउड्स दिख रहे हैं लेकिन बारिश पता नहीं आएगा कि नहीं। ह्यूमिडिटी है अच्छा खासा, अभी का टेम्परेचर फ़िलहाल 32 डिग्री है और हम लोग वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। अभी हम लोग धीरेनपारा वाला रास्ता से जा रहे हैं गौरचुक की तरफ। गौरचुक तीनाली से हम लोग NH 37 में चलेंगे। डंपर के तुम डंपर बोल चो हैं? वो जो तुम्हारी चुड़ी के दिए थे। वो था पापा। अभी हम लोगों को NH 37 मिल चुका है। लेट मी शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ब्रिज। अभी जो हम लोग जिस ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, और बगल में जो वो बड़ा वाला आपको दिख रहा है ना थोड़ा ऊंचा, वो सरायघाट, पुराना वाला सरायघाट ब्रिज है जो कि कंस्ट्रक्शन हुआ था 1962 में। इसका कुल लंबाई है 1.5 किलोमीटर जितना, और इसका जो चौड़ाई है वो 7.5 मीटर जितना है। यही वो मार्केट है जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा था। ये सरायघाट ब्रिज आप पार करके आएंगे तो जो टर्न आपको दोल गोविंदो रोड के लिए लेना पड़ेगा वहाँ पे आपको मिलेगा। और क्योंकि आज संडे हाट का दिन है इसीलिए यहाँ पे भीड़ थोड़ा ज़्यादा है। देखिए इसका हरकत, ये 2 मिनट भी कहीं पे शांति से नहीं बैठता है। यहाँ से जो रिवर का व्यू है लाजवाब लग रहा है एकदम। और यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे अभी हम लोगों को दोल गोविंदो मिलेगा। उस रास्ते से थोड़ा आगे जाने के बाद एक राइट टर्न आता है, वहाँ से फिर दीर्घेश्वरी का रास्ता। So let's go. ये है दोल गोविंदो टेम्पल का गेट। थोड़ा आगे चल के गाड़ी रुकाते हैं उसके बाद अंदर चलेंगे। अभी हम लोग थोड़ा रुके हैं यहाँ पे जाने के लिए, दोल गोविंदो टेम्पल जाने के लिए।
यही है दोल गोविंद टेम्पल। मेरे राइट साइड में ये वाला मेन टेम्पल है। फिलहाल अंदर जाने का कोई प्लान नहीं है, तो चलिए वापस चलते हैं। दोस्तों, क्या आपने मेरे चैनल में बाकी वीडियोस देखे हैं? अगर नहीं तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा नीचे, एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। और मेरा चैनल भी विज़िट करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। We are about to reach now. It took almost 1 hour 30 minutes यहाँ पहुँचने के लिए। ये जगह देखिए आप एक बार। इन दोनों को देखिए अपना लाइफ मस्त एंजॉय करते हुए। देयर इज़ अ फैक्ट विच आई थिंक आई शुड शेयर विथ यू। ये जो जगह है ये आप शायद देख पा रहे हैं, आपको बाद में इसको फोटो में ऐड कर दूंगा। ये जगह खाली इट्स नॉट लाइक एक रिलीजियस प्लेस है, खाली इसका एक हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस भी है। दिस इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर आइए और जगह देख सकते हैं। ये वही रास्ता है जिस रास्ते से हम लोग आए हैं। दूर से एक रास्ता थी।